गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है एक्सपोज रिलेटेड चैनल में। आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आप जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं उसके लाइक और कमेंट्स और व्यूवर्स कैसे देखें। आप कभी देखना कि आप जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और आप अपलोड करने के बाद अपने जो वीडियो अपलोड की होती है उस पर जाते हैं, तो उस पर जैसे देखिए मैं एक्सपोज रिलेटेड से बनाता हूँ, तो मैं यहाँ लैब में गया यूट्यूब के बाद। यहाँ जाने के बाद मैं माई वीडियो पर गया, तो माई वीडियो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि आपकी ये जो वीडियो है एक हफ्ते पहले डली है, 10 व्यूवर्स ने देखा है। बट यहाँ आपको कभी भी लाइक नहीं बताता कि कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप यहाँ जब भी आप सर्च बार पर टाइप करते हैं अपने चैनल का नाम, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ एक्सपोज रिलेटेड अपने चैनल का नाम, तो कुछ इस टाइप से आइकन खुल जाता है। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आपके 14 वीडियो हैं और 13 जने सब्सक्राइबर हैं। और साथ ही साथ आप जैसे यहाँ अबाउट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पता चलता है कि आपको टोटल व्यूवर जो है इतने हैं और इतने सब्सक्राइबर हैं। बट हर वीडियो पर कितने लाइक और कितने सब्सक्राइबर मिले हैं ये आपको कैसे पता करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्रोम खोलना है। क्रोम को खोलते ही देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे क्रोम खोलेंगे आप न्यू टैब तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, राइट क्लिक करना है बिंदु पर, ये देखिए यहाँ लिखा है डेस्कटॉप टू साइट्स, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं और कुछ लिखते हैं, जैसे गूगल लिख दिया मैंने। जैसे ही लिखता हूँ तो कुछ इस टाइप से खुलेगा, तो यही चीज़ आपको इस तरह से खोलनी है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो चैनल है वो यहाँ पर खोल लेना है जीमेल पर। देखिए जैसे मेरा एक्सपोज रिलेटेड है तो मैंने ऑलरेडी एक्सपोज रिलेटेड खोल दिया है। उसके बाद मैं यूट्यूब सर्च करूँगा, जैसे यूट्यूब सर्च करता हूँ तो मेरा यूट्यूब इस प्रकार से खुल जाएगा। इसको ऑन करते ही देखिए ये आपसे पूछेगा कि आप किस ब्राउजर पर खोलना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पर नहीं खोलना, आपको क्रोम पर क्लिक कर अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आपके कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये खुल जाता है तो मैं बताता हूँ, तब तक आप देखते रहिए। यहाँ पर यह है कि आपको पूरा लाइक और व्यूअर के साथ सब्सक्राइबर कितने हैं वो पता चल जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने जीमेल ऑन करके उसको यूट्यूब को खोला तो आप देख रहे होंगे यहाँ साइड में जो है मेरा यूट्यूब जो मेरा चैनल है एक्सपोज रिलेटेड उसका आइकॉन आ चुका है, और जो यूट्यूब के वीडियोस हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जैसे कंप्यूटर में आती है उस टाइप से आ चुकी है। साथ में यहाँ मैं दो बटन और यहाँ पर भी बटन दे दिए हैं, तो आपको क्या करना है अपने ये जो चैनल है इसके पास क्लिक करना है। जैसे आप इसको जूम कर लेना डबल फिंगर से, जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका चैनल इस टाइप से खुलेगा। जैसे यहाँ आप क्लिक करते हैं, फिर से देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपके कुछ इस टाइप से खुलेगा, देखिए इस टाइप से खुलने के बाद आपको क्या करना है, माई चैनल पर जाना है। माई चैनल पर जाएंगे तो आपके जितनी वीडियो होती है जो आप अपलोड किया होते हैं उसके बारे में ये बता देता है कि आपने कितने हफ्ते पहले किया था, कितने व्यूवर्स हैं, ये देखिए आपको सिर्फ यही पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ आपको वीडियोस देखने को मिल जाती है आपकी खुद की जो आप वीडियो अपलोड किए हैं, या चैनल मिल जाता है यहाँ कितने वो मिले आपको डॉलर वो पता चल जाता है, यहाँ आपका अबाउट भी पता चल जाता है, ये है। बट हमें जो देखना है, और आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाइड कर सकते हैं, तो आपको जो देखना है वो देखना है कि हर मेरे वीडियो पर कितने मिले हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से वहीं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका ये खुल जाएगा तो यहाँ जाना है क्रिएट स्टूडियो। जैसे ही क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से खुल जाएगा, देखिए इस टाइप से खुल जाएगा, आपको इस टाइप से देखिए खुल जाएगा। तो देखिए आपके जो यहाँ वीडियोस हैं अपलोडेड वाले, जैसे हाउ टू सेव यू यूट्यूब वीडियो इन गैलरीज, ये मेरा कुछ एक हफ्ते पहले पुराना का है बनाया हुआ वीडियो है, तो उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, देखिए 10 लोगों ने। कितने लाइक मिली है, 3। कमेंट्स नहीं आए, यहाँ आपको सारे देखने को मिल जाते हैं आप जितने वीडियो अपलोड करते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसमें कितनी लाइक है और कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोगों ने देखा है, तो ये देखिए यहाँ सारा पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ कॉपीराइट होते हैं, जो डुप्लीकेट वीडियोस होते हैं वो भी पता चल जाता है। देखिए जैसे ये है द बेस्ट ऑफ सॉन्ग डाउनलोड,
तो यहाँ लिखा है इस कॉपीराइट कंटेंट, मतलब ये ऑलमोस्ट मेरा कॉपीराइट है। क्यों है कॉपीराइट? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आप इस कॉपीराइट को क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि इसमें या तो सॉन्ग्स मैचेबल हैं या कुछ और प्रॉब्लम है जिस कारण से है। तो मैं इस वीडियो को चला के देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या है कॉपीराइट। एक्चुअली ये कॉपीराइट इसलिए है कि जो मैं गाना बता रहा था वो 30 सेकंड से ज़्यादा एबव था, तो इसलिए रिकॉर्ड हो गया, तो इसलिए इसने कॉपीराइट बता दिया। पर ये इतना भी कॉपीराइट नहीं है कि ये आपको कुछ कह सके। और कॉपीराइट का देखिए लोगो कैसे आपको यूट्यूब चैनल पर दिखा देता है, सी का आइकन बना हुआ दिखा देता है, मतलब ये कॉपीराइट है, मतलब कॉपी किया हुआ वीडियो है। तो इसीलिए आपको इसके ध्यान देना है कि आपके जो वीडियो है उसमें 30 सेकंड से गाने कोई भी ज़्यादा या उससे 30 सेकंड से पहले डल जाए तो ज़्यादा बेटर है। 30 सेकंड के बाद अगर गाना वो ज़्यादा डलता है या 31 सेकंड का होता है तो ये ऑटोमेटिक कॉपीराइट उसको बता देता है। तो मैंने एक क्विज में दिखाया था कि आप इस वीडियो में था कि मैं कोई ऐप्स ऑन करके कोई गाना का टाइटल बताता हूँ तो ये करप्ट कर देता है, तो मैं 30 सेकंड तक उसमें गाना बज रहा था इसलिए कॉपीराइट बता दिया। तो आपको यहाँ कॉपीराइट के बारे में पता चल गया, आपको लाइक और व्यूवर के बारे में पता चल गया कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट्स मिले, कितने व्यूवर्स मिले। आप देख रहे होंगे ये सारे मेरे लाइक्स हैं, इस वीडियो पर 3 लाइक मिले हैं जबकि 17 लोगों ने देखा है, 14 लोगों ने देखा है, 3 व्यूवर्स हैं, मतलब कमेंट्स भी हैं जो इसमें हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको यहाँ से और भी चीज़ें करनी है जैसे कि सेटिंग, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है। चैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से काफ़ी सारे सेटिंग खुल जाएंगे। ये जितनी जितनी ग्रीन है, ये जितनी ग्रीन लाइनें हैं इन सबको एनेबल कर लेना है। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट ये अपलोडिंग का एनेबल है, या लाइव स्टार्टिंग का एनेबल है, मतलब सारी चीज़ें मेरी एनेबल है। बस ये जो चीज़ है आपका मोनिटाइजेशन, ये आपको एनेबल कब होता है, जब आपके पास 10,000 व्यूवर्स होते हैं तब। इससे ये होता है कि आपके मोटिवेशन में ये होता है कि आपके 10,000 लोग देख लेते हैं आपके वीडियो को, तो इसमें आपके डॉलर आना चालू हो जाते हैं। तब आपको इसको एनेबल करके अपने अकाउंट नंबर देना होता है। देखिए जैसे मैं अनेबल करता हूँ तो ये अनेबल नहीं होगा, पहले ही पूछ रहा है साइन अप द, पहला जो चैनल है आपका ये अनेबल हो जाएगा यूट्यूब द प्रेजेंट प्रोग्राम एम टर्म। और जैसे ही सेकेंड ऑप्शन करेंगे एड ब्रेकर, मतलब आपके इसमें आपके पैसे इस तरह से आते हैं कि अगर आपके 10,000 लोगों ने आपकी वीडियो देख ली तो हर वीडियो पर ये कुछ ऐड लग जाएंगे, जिससे बीच बीच में जो ऐड आते थे उनके कारण वो आपको पैसे मिलेगा, बट आपके 10,000 मिलियन होने के बाद। पर ये अभी 10,000 मिलियन नहीं है और इसलिए नहीं लिया, यहाँ ऑलमोस्ट लिख दिया यू कैन अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन एट एनी टाइम्स टू बी अप्रूव्ड ऑल चैनल। सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो 10,000 लोगों से ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको पहला अप्लाई हो जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो आप इसको जो हो सके तो सेटिंग में अप्लाई हो जाए तो कीजिएगा। और आपका मुझे बताना था जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स का बारे में, मैं बता दिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।